गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के क्लास में हम वार्साल एल्गोरिदम के बारे में पढ़ेंगे। इसको दो मैथमेटिशियन ने, फ्लॉयड और वार्साल, दोनों मिलके ये एल्गोरिदम को दिया था। इस एल्गोरिदम को जनरली ग्राफ थ्योरी के अंदर में पढ़ा जाता है, लेकिन अगर हम रिलेशन के हिसाब से देखें तो ये रिलेशन में भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इस एल्गोरिदम को किस मैथमेटिशियन ने मिलकर दिया था, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ गई और कब दिया था। उसके बाद हम जानेंगे कि हम कहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले बर्नार्ड रॉय 1959 में जब डायनामिक प्रोग्रामिंग को सॉल्व कर रहे थे, तो उस समय में ये इस एल्गोरिदम का यूज किए थे, या यूँ कहे कि हम ये एल्गोरिदम दिए थे। उसके बाद चल के स्टीफन वार्साल और उसी साल में रॉबर्ट फ्लॉयड, ये दोनों इसी साल में, मतलब 1962 में, इस एल्गोरिदम का कॉन्सेप्ट फिर से रीबिल्डअप किए थे इन्हीं के, बर्नार्ड रॉय के दिए हुए थ्योरम्स के बेस पे। ये बताया गया कि ये जो वार्साल एल्गोरिदम है, ये जनरली ग्राफ थ्योरी में यूज किया जाता है, और ये ग्राफ में दो वर्टेक्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है ना, किसी वेटेड ग्राफ के अंदर में। अब आप पूछेंगे वेटेड ग्राफ क्या होता है सर, तो अगर किसी ग्राफ में एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पे जाने के लिए कुछ वेट असाइन किया हुआ हो तो उसको वेटेड ग्राफ कहा जाता है, ठीक है। ये एल्गोरिदम अनडायरेक्टेड और डायरेक्टेड दोनों तरफ के ग्राफ पे वर्क करता है ना। और किस चीज़ के लिए हम इसको यूज करेंगे, तो आपको बोलना है कि डायनामिक प्रोग्रामिंग को सॉल्व करने के लिए हम इस एल्गोरिदम का यूज करते हैं, है ना। डायनामिक प्रोग्रामिंग को यूज करने के लिए, या यूँ कहें हम शॉर्टेस्ट पाथ को किसी ग्राफ में फाइंड करने के लिए हम वार्साल एल्गोरिदम का यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से कुछ इसका एप्लीकेशन दिया हुआ। पहला एप्लीकेशन है क्या, ये किसी डायरेक्टेड ग्राफ में शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है, अभी हम बात कर रहे थे इसके बारे में। सेकंड एप्लीकेशन है, इसको ट्रांजिटिव क्लोजर को भी फाइंड करने के लिए किसी डायरेक्टेड ग्राफ में यूज किया जाता है। ट्रांजिटिव क्लोजर क्या होता है, अगर आप लोग को नहीं पता तो मेरा प्रीवियस वीडियो देखिए, उसमें ट्रांजिटिव क्लोजर के बारे में हम बताए हुए हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है क्या, मैट्रिक्स में, रियल मैट्रिक्स के हैं या मैट्रिक्स के अंदर में, इन्वर्जन फाइंड करने के लिए हम उसको यूज करते हैं वार्साल एल्गोरिदम को, मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करने के लिए। चौथा है क्या, फॉर टेस्टिंग वेदर एन अनडायरेक्टेड ग्राफ इज बाइपार्टाइट। अब ये बाइपार्टाइट अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, तो हम आपको समझने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा हिंट दे देते हैं। देखिए, अगर मेरे पास ये कुछ ग्राफ दिया हुआ है ना, ये वर्टेक्स है ए बी सी डी ई एफ, अगर मेरे पास ये वर्टेक्स सेट दिया हुआ है ए बी सी डी ई एफ, तो इस ग्राफ को हम बाइपार्टाइट ग्राफ तब कहेंगे जब इसके वर्टेक्स सेट को हम दो पार्ट में पार्टीशन करें, और पार्टीशन इस ढंग से करना होगा कि दो वर्टेक्स एडजेसेंट एक सेट में नहीं आना चाहिए। कहने का मतलब हुआ, अगर हम भी को दो पार्ट में पार्टीशन करें और B1 के अंदर में अगर हम A ले लिए, तब आप A का एडजेसेंट नहीं ले सकते। मतलब क्या, A का एडजेसेंट जैसा कि हम देख पा रहे हैं B और C है, तो आप इसको फिर B1 के अंदर नहीं ले सकते, तो हम यहाँ पे D ले लेते हैं। अगर D ले लेंगे तो इसका एडजेसेंट क्या होगा, B और F होगा, तो इस दोनों को भी आप नहीं ले सकते, है ना, तो हम E को ले लेते हैं। आप C को भी ले सकते हैं, हम E को ले लेते हैं, C को नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि C A का नेबर है, इसलिए नहीं ले सकते। तो ये मेरा B1 बन गया, आप B2, है ना। A D E लिए हुए हैं, A D E, A D E, और जैसा कि हम यहाँ से देख पा रहे हैं, अगर हम B2 के अंदर में B ले लें तो इसका एडजेसेंट F नहीं है और इसका एडजेसेंट C भी नहीं है। मतलब क्या, इस ग्राफ के वर्टेक्स सेट को हम दो पार्ट में
ब्रेक करें, और ब्रेक इस प्रकार से आपको करना है कि कोई भी अगर आप एक वर्टेक्स पिक करते हैं तो दूसरा वर्टेक्स इसका एडजेसेंट नहीं होना चाहिए, या अगर हम ई को पिक करते हैं तो ई ए का या डी का एडजेसेंट नहीं होना चाहिए, है ना। और दो पार्ट में इजीली हम इसको ब्रेक भी कर दिए, पार्टीशन भी कर दिए, मतलब क्या, ये एक बाइपर टाइप ग्राफ हो गया। तो ये रफली आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल दिए हैं, और डिटेल में ग्राफ थ्योरी में पढ़ना है वहाँ और डिटेल्स में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अब इसका एल्गोरिदम है, एल्गोरिदम लगाया हुआ फॉर लूप से यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है सबसे पहले बिगिन करने के लिए स्टार्ट करना है, फॉर कहाँ से कहाँ तक लूप चलाना है, तो के इक्वल टू जीरो से लेकर एन तक लूप चलाना है। फिर सेकेंड लूप कह रहा है आई इक्वल टू जीरो से लेकर एन तक चलाना है, और थर्ड लूप कह रहा है जे इक्वल टू जीरो से एन तक चलाना है। तो ये तीन लूप चला हुआ है, इसको कहते हैं के इक्वल टू जीरो, ये आउटर लूप हो गया और ये दोनों इनर लूप चला हुआ है। इसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ आई के, किसी दो वर्टेक्स के बीच का कॉस्ट है ना, किसका किसका, तो आई के का कॉस्ट, अगर उसमें हम के जे के कॉस्ट को ऐड कर देते हैं, और ऐड करने के बाद अगर ये छोटा हो जाता है कॉस्ट ऑफ आई जे, तब हम लोग कॉस्ट ऑफ आई जे में कॉस्ट ऑफ आई के और कॉस्ट ऑफ के जे का एडिशन करके और इसके अंदर में हम डाल देते हैं। ये मेरा असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज किया हुआ है। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या बोलता है, जो भी राइट हैंड साइड में वैल्यू दिया हुआ है उसको एडिशन करके या सब्ट्रैक्शन, जो भी ऑपरेशन दिया हुआ है वो करके लेफ्ट हैंड साइड में असाइन कर देना है। तो ये दोनों को ऐड करके आपको असाइन कर देना है। उसके बाद ये तीनों जो लूप चला हुआ था उसको बारी बारी से हम यहाँ पे क्लोज कर दिए हैं। क्लोज करने के बाद जो भी आपका करंट मैट्रिक्स आएगा कॉस्ट वाला, है ना, तो वो उसको आप डिस्प्ले कर दीजिए और यहाँ से आपका एल्गोरिदम ख़त्म हो जाता है। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू इस एल्गोरिदम को और डीप में समझते हैं। मेरे पास एक ग्राफ दिया हुआ है, डायरेक्टेड ग्राफ, जिसमें टोटल चार वर्टेक्स है और वर्टेक्स 1 से 4 के बीच का वेट है 1, 4 से 3 का वेट 9 दे रखा है, 4 से 2 का वेट 2 है, 2 से 3 का वेट 1 दे रखा है, 3 से 1 का एक इनडायरेक्ट एसोसिएशन है वेट 4 दे रखा है, और 1 से 2 के बीच का वेट 8 दे रखा है। कह रहा है कि वार्सल एल्गोरिथम को फॉलो करते हुए आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालिए सारे वर्टेक्स के बीच का। तो इसके लिए आपको 3-4 स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले स्टेप में क्या करना है, जितना भी सेल्फ लूप या पैरेलल एजेज उस ग्राफ में दिया हुआ होगा उसको सबसे पहले रिमूव कर देना है। तो जैसा कि हम इस ग्राफ में देख रहे हैं, एक भी सेल्फ लूप नहीं लगा हुआ और पैरेलल एजेज भी नहीं लगा हुआ। अब सेल्फ लूप क्या होता है, हम बता चुके हैं आपको पहले कि अगर कोई एजेज 1 से स्टार्ट होके और 1 ही पे ख़त्म हो जाता है, मतलब किसी एज का अगर स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम हो जाए तो हम उसको लूप कहते हैं। जैसे अगर हम इसके ऊपर में एक एज लगा दें और कुछ वेट असाइन कर दें, तो इस एज का स्टार्टिंग पॉइंट भी 1 है और एंडिंग पॉइंट भी 1 है, तो ये लूप हो जाएगा मेरा, है ना। सेकेंड नंबर है सेल्फ एजेज, सॉरी सेकेंड नंबर है मेरा पैरेलल एजेज। पैरेलल एजेज क्या होता है, अगर किसी दो वर्टेक्स के बीच में, किसी दो वर्टेक्स के बीच में कहें, या हम यूँ कहें कि अगर किसी दो वर्टेक्स का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम हो, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम हो, तो उसको हम पैरेलल एजेज कहते हैं। जैसे देखिए, अगर यहाँ 1 से 4 के बीच में है, 1 से 4 के बीच में डिस्टेंस है 1, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है 1 और एंडिंग पॉइंट है 4। अगर हम 4 से भी एक एज लगा दें, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से 4 हो रहा है और एंडिंग पॉइंट 1 हो रहा है, तो ये दोनों एजेज आपस में, ये दोनों एजेज आपस में पैरेलल एजेज कहलाएंगे, है ना। तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, और डिटेल्स में हम इसके बारे में ग्राफ थ्योरी में अच्छे से पढ़ेंगे। तो पहला स्टेप कह रहा था जितना भी सेल्फ लूप और पैरेलल एजेज अगर ग्राफ में दिया हुआ है तो सबसे पहले आप उसको रिमूव कर दीजिए। तो मेरे ग्राफ में कोई भी नहीं था। अब हम सेकेंड स्टेज पे आ जाते हैं।
सेकेंड स्टेप में कहता है क्या, दिए गए डायरेक्टेड ग्राफ का आप एक मैट्रिक्स लिख लीजिए। तो हम मैट्रिक्स यहाँ से एक बनाते हैं। टोटल कितना इसमें वर्टेक्स दिया हुआ, चार, इसीलिए हम 1 2 3 4 लिख लिए, है ना, और इधर भी 1 2 3 4 लिख लेंगे। अब हम देखते हैं कि 1 का किससे किससे कनेक्शन है। तो 1 से 4 पे आ रहा है, वेट 1 दिया हुआ है, 1 से 2 पे जा रहा है, वेट 8 दिया हुआ, और किसी के बीच में भी नहीं है। तो 1 से 2 पे आ रहा था, वेट था 8, हम यहाँ पे लिख दिए। 1 से 4 पे जा रहा था, वेट 1 दिया हुआ था, है ना। अब देखिए, आप गौर कीजिएगा, तो पहले स्टेप में क्या बोल रहा था, सेल्फ लूप को और पैरेलल एजेज को रिमूव करने के लिए। तो अगर हम हटा देंगे तो ये जो डायगोनल वाला एलिमेंट है ये सेल्फ लूप के लिए था, है ना, ये सेल्फ लूप का वेट बता रहा था, और सेल्फ लूप स्टेप नंबर 1 से कहता हटा देने के लिए, इसीलिए डायगोनल में सारा एलिमेंट का वैल्यू, सारा एलिमेंट 0 हो जाएगा। सेकेंड में आते, सेकेंड वर्टेक्स पे, तो जैसा कि हम ग्राफ में देख पा रहे हैं, सेकेंड वर्टेक्स से, वर्टेक्स 2 से सिर्फ 3 पे एक एज जा रहा था और वैल्यू 1 दे रखा है। तो 2 से 3 पे जा रहा था, वैल्यू 1, ठीक है, डायगोनल में 0 आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड नंबर, वर्टेक्स 3 से एक ही एज निकल रहा है जो 1 पे जा रहा है और वेट दे रखा है 4। फिर वर्टेक्स 4 से, 4 से 2 एज निकल रहा है, एक 2 पे जा रहा है, वेट 2 दे रखा है, और एक 3 पे जा रहा है, वेट 9 दे रखा है। ये तो 0 सेल्फ लूप के लिए आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी दो वर्टेक्स के बीच में कोई कनेक्शन नहीं दिया हुआ है, जैसे वर्टेक्स अगर हम 1 से 3 की बात करें तो नहीं दिया हुआ है कोई भी कनेक्शन, तो आपको इन्फिनिटी लिख देना है उसके बारे में, है ना। जैसे 2 से 1 का देखिए, उसमें कनेक्शन नहीं दे रखा है, 2 से 1 का कोई भी कनेक्शन नहीं है, ये 1 से 2 के बीच में आ रहा है, 2 से 1 का कनेक्शन नहीं दिया हुआ है, इसीलिए हम इसको इन्फिनिटी कर देंगे। मतलब जिसके लिए अगर दे रखा है वेट तो वेट लिख दीजिए, नहीं दे रखा है तो उसके लिए इन्फिनिटी लिख देना है, और सेल्फ लूप तो हटाने के लिए बोला इसीलिए हम 0 दे रहे हैं। तो ये स्टेप नंबर आपका 2 हो गया। उसके बाद स्टेप 3 है, कहता है कि एल्गोरिदम का यूज़ करते हुए, जो एल्गोरिदम अभी हम पीछे बता रहे थे, आपको डिफरेंट डिफरेंट मैट्रिसेस को यहाँ से लिखना है, है ना। तो पहला D1 है, यहाँ से D1 स्टार्ट करते, ये इनिशियल था इसीलिए D0 लिख रहे थे। अब हम D1 ले लेंगे, तो फिर से 4 वर्टेक्स है टोटल, तो 1 2 3 4 लेंगे, इधर भी 1 2 3 4 लेंगे। पहले बार में हम पहले कॉलम और पहले रो को पाइवोट कर देंगे, पाइवोट करना मतलब फिक्स करना, तो हम पहला रो और पहला कॉलम को पाइवोट कर दिए हैं, ठीक है। अब आते हैं जो रिमेनिंग एलिमेंट मेरा बच गया, इस पर हम आते हैं। तो हम देख क्या रहे हैं, यहाँ से 3 से 2 के बीच में, 3 से 2 के बीच में आप देखिए डायरेक्ट एसोसिएशन नहीं दे रखा है, 3 से 2 के बीच में डायरेक्ट एसोसिएशन नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली हम जा रहे हैं 3 से 4 के बीच में। कैसे जा रहे हैं, 2 के बीच में कैसे जा रहे हैं, तो 3 से हम 1 पे आ जाए, वेट है मेरा 4, और फिर हम 1 से 2 पे आ जाए तो वेट है 8, तो टोटल कितना हो गया, 4 + 8 = 12 हो जाएगा, है ना। तो ये हम 12 यहाँ पे लिख दिए हैं। नेक्स्ट नंबर, अगर हम 3 से 4 के बीच में ग्राफ में देखें, 3 से 4 के बीच में डायरेक्ट एसोसिएशन नहीं है, लेकिन हम इनडायरेक्टली 3 से 4 के बीच में जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं, 3 से 4 के बीच में आप कैसे जा सकते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 3 से 4 पे अगर जाना है तो 3 से पहले 1 पे आइए, वेट 4 हो जाएगा, फिर 1 से 4 पे आ जाइए तो वेट 1 हो जाएगा, तो टोटल अगर जोड़ देंगे तो 4 और 1 5, तो ये वेट हम 5 लिख दिए हैं, है ना। डायगोनल में तो आपको कुछ करना ही नहीं है, डायगोनल में ऑलवेज 0 रहेगा। नेक्स्ट नंबर आप आ जाइए, तो ये 2 सेम है, है ना, 9 सेम है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, तो ये D1 आपका हो गया। मतलब हम सिर्फ क्या किए हैं, ये 12 लिखे हैं, डायरेक्ट एसोसिएशन नहीं था तो इनडायरेक्ट वैल्यू लिख दिया, और यहाँ पे भी हम वैल्यू को मॉडिफाई कर दिए हैं। सेकेंड बार में हम क्या करेंगे, D2 वाले मैट्रिक्स में सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो को पाइवोट करेंगे, तो ये मेरा पाइवोटिंग हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 से 3 के बीच का आप देखिए, 1 से 3 के बीच में, 1 से 3 के बीच में डायरेक्ट एसोसिएशन नहीं दे रखा है,
वन से थ्री के बीच में डायरेक्ट एसोसिएशन नहीं है, तो क्या आप वन से थ्री के बीच में इनडायरेक्टली जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। वन से पहले टू पे आइए, फिर टू से वन पे आइए, तो टोटल वेट आपका कितना हो जाएगा, एट इसका और वन इसका, अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो ये टोटल नाइन हो जाएगा। तो नाइन हम यहाँ पे मॉडिफाई कर दिए हैं। नेक्स्ट नंबर क्या किए हैं हम, यहाँ से आप आइए फोर से, फोर से थ्री के बीच में आप देखिए, फोर से थ्री के बीच में वेट कितना दे रखा है, नाइन दे रखा है। लेकिन देखते हैं क्या कि और भी रास्ता है जिससे हम फोर से थ्री के बीच में जाए और कम ही वेट में हम जा सकते हैं, है ना? तो आप देखिए कैसे जा सकते हैं फोर से थ्री तक कम में, कम वेट में, ये नाइन दे रखा है, क्या आप कम में जा सकते हैं? आप चेक कर लीजिए, फोर से थ्री जाना है आपको तो आप, हाँ फोर से टू आ जाइए और फिर टू से वन आ जाइए, तो टोटल वेट हो जाएगा टू और वन थ्री, तो ये आप थ्री हम मॉडिफाई कर दिए हैं, ठीक है? तो ये डी टू में हम चेंजिंग किए हैं। थर्ड में आते हैं डी थ्री, डी थ्री में हम क्या करें हैं, तीसरे कॉलम को और तीसरे रो को फिक्स कर देंगे, मतलब पाइवोट कर देंगे, और चेंजिंग क्या किए हैं देखिए, टू से वन के बीच में आप ग्राफ में देखिए, टू से वन के बीच में क्या डायरेक्ट एसोसिएशन है टू से वन की तरफ? नहीं है, वन से टू की तरफ आ रहा है, तो क्या हम टू से वन नहीं जा सकते हैं? जा सकते हैं इनडायरेक्ट एसोसिएशन से। तो वो आपका वेट कितना होगा, कैलकुलेट कीजिए वहाँ से, टू से वन जाने में वेट कितना लगेगा? देखिए टू से वन जाना है आपको, तो टू से थ्री आइए, वेट वन है, और फिर थ्री से वन पे आ जाइए, वेट कितना है फोर, तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, फोर वन फाइव, तो ये हम फाइव को मॉडिफाई कर दिए हैं। सेकेंड नंबर ये तो जीरो ही आपका रहेगा, ये इतना ही रहेगा। फिर देखिए आप टू से फोर देखिए ग्राफ में, टू से फोर डायरेक्ट एसोसिएशन नहीं है, तो आप इनडायरेक्टली देखिए वेट कितना लग रहा है टू से फोर पे आने में, टू से फोर पे आने में आपका लग रहा है वन फोर फाइव और वन सिक्स। टू से पहले आप थ्री पे आएंगे, वेट है वन, फिर थ्री से वन पे जाएंगे, वेट है फोर, फिर वन से फोर पे आएंगे, वेट है वन। बोलेंगे सर इतना घूम क्या ना, आपको मिनिमम वेट देखना है ना, इसीलिए हम मिनिमम वेट के लिए वर्टेक्स को विजिट कर रहे हैं। तो ये वन फोर फाइव और वन सिक्स, तो यहाँ पे हम सिक्स से इसको मॉडिफाई कर दिए हैं, है ना? इन्फिनिटी दिया हुआ था इसीलिए अब हम मिनिमम वैल्यू से करेंगे, तो सिक्स से हम इसको मॉडिफाई कर दिए। फिर नेक्स्ट नंबर है आपका फोर से वन, देखिए आप फोर से वन डायरेक्ट एसोसिएशन नहीं है, तो क्या हम इनडायरेक्टली आ सकते हैं फोर से वन? इन्फिनिटी दे रखा है तो इन्फिनिटी को हम हटा रहे हैं अभी। फोर से वन, फोर से वन जाने में आपका कॉस्ट लगेगा टोटल टू वन थ्री और फोर सेवन, ये टू वन थ्री और फोर सेवन, है ना? आप बोलेंगे सर अगर हमको यहाँ पे फोर से वन जाना है तो इस रास्ते से भी आ सकते हैं हम, फोर से थ्री और फिर थ्री से वन, तो कॉस्ट कितना हो जाएगा आपका, थर्टीन हो जाएगा, जबकि यहाँ पे सेवन में ही हम वन पे पहुँच रहे हैं, तो मिनिमम कॉस्ट लेना है, तो हम सेवन को यहाँ पे मॉडिफाई कर दिए, ठीक है? सारा इन्फिनिटी हट गया है। और हम देख रहे हैं क्या और भी हम कम कर सकते हैं, तब हम डी थ्री पे आते हैं, डी फोर पे आते हैं, है ना? इसमें हम क्या करें हैं आप देखिए, फिर देख रहे हैं डायगोनल, ये तो जीरो ही रहेगा। वन से टू, वन से टू जाने में वेट दे रखा है एट, वन से टू वेट एट दे रखा है, जबकि हम वन से टू पे जा सकते हैं वेट थ्री, इंटरमीडिएट नोड फोर को यूज करके, तो मिनिमम को चूंकि हम ले रहे हैं तो ये हम थ्री यहाँ पे मॉडिफाई कर दिए। फिर आप देखिए वन से थ्री, वन से थ्री अभी प्रीवियस में मेरा वेट दे रखा है नाइन, फिर देख रहे हैं क्या और भी किसी दूसरे वर्टेक्स को विजिट करके हम वेट को कम कर सकते हैं वन से फोर जाने में, सॉरी वन से थ्री जाने में। वन से थ्री के बीच में आपको जाना है मिनिमम वेट को यूज करते हुए, आप बिल्कुल जा सकते हैं। वन से फोर आइए, फिर फोर से टू जाइए और टू से थ्री आइए, तो वेट कितना हो जाएगा, वन
टू थ्री और वन फोर, प्रीवियस वेट कितना था 9, अब कितना हो गया 4, तो ये भी आपका मॉडिफाई हो गया। फिर सेकेंड पे आते हैं, सेकेंड से अगर हम देखते हैं तो सेकेंड में मिनिमम ही है, इसमें और मिनिमम नहीं हो सकता। फिर थर्ड नंबर में आते हैं तो 3 का 1 से 4 दे रखा, ये मिनिमम ही है। फिर 3 का 2 से, प्रीवियस वेट कितना था 12 था, अब हम 3 का 2 से देखते हैं इस ग्राफ के अंदर में, मिनिमम वेट देखना है आपको 3 से 2 का। देखिए आप, प्रीवियस आपका 12 है, क्या और भी रिड्यूस कर सकते हैं? देखिए 3 से आपको आना है 2 पे, 3 से 2 पे आना है, है ना? तो आप 3 से पहले 1 पे आ जाइए, वेट कितना होगा 4, फिर 1 से 4 पे आ जाइए तो वेट कितना हो गया 415, और फिर 4 से 2 पे आ जाइए तो वेट 2 ऐड हो जाएगा तो 415 27, प्रीवियस वेट कितना था 12, अब ये रिड्यूस हो गया मेरा 7, ठीक है। और बाकी फोर्थ में अगर आते हैं तो ये वेट मिनिमम ही दे रखा है, और फोर्थ में तो हम ऐसे भी चेंज नहीं कर सकते, ये पाइवोट है। तो ये चारों क्लियर हो गया आपका, है ना, चारों मॉडिफाई हो गया, तो ये आपका शॉर्टेस्ट पाथ बन जाएगा, है ना। अगर ये 5x5 का होता, एक स्टेप आउट चलता, D5 होता, कहने का ये मतलब कि मैट्रिक्स का जो भी ऑर्डर रहेगा उतना मैट्रिक्स आपको यहाँ से बनाना पड़ेगा। अगर यहाँ से मैट्रिक्स का ऑर्डर है 5, या हम यूँ कहें कि वर्टेक्स दे रखा है वहाँ पे 6, तो टोटल हो जाएगा आपका 6x6 का मैट्रिक्स, और उतना मैट्रिक्स यहाँ से आपको फाइंड करना पड़ेगा। कुछ नहीं करना है, पहले बार में पहला रो पहला कॉलम को फिक्स करना है, जो दे रखा है वेट वो तो वेट लिख लेना है, जो नहीं दे रखा है उसके बदले इन्फिनाइट और डायगोनल में हमेशा 0, और फिर से आपको ग्राफ से देख देख के उसको मॉडिफिकेशन करना है, और लास्ट मैट्रिक्स तक आपको वैसे चलना पड़ेगा। लास्ट मैट्रिक्स पर जब भी पहुंच जाएंगे तो हम कह देंगे कि ये मेरा करंट मैट्रिक्स है और ये मेरा रिजल्ट हो जाएगा। तो यही चीज़ हम यहाँ पे लिख दिए हैं, द लास्ट मैट्रिक्स D4 रिप्रेजेंट शॉर्टेस्ट पाथ डिस्टेंस बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस, क्योंकि यहाँ से हम आगे जा ही नहीं सकते, मेरा लास्ट है ये, है ना, ये फोर्थ कॉलम और ये फोर्थ रो को हम ले लिए हैं, तो ये मेरा लास्ट रो होगा। आप एल्गोरिदम को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे और उसको बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो आज के लेक्चर के लिए हम यहीं तक बात करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे देखेंगे फिर। थैंक यू।